गाइज गुड आफ्टरनून गाइज, मैं आज दोपहर से जो है ना आज मैं लेट से जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ रेसिपी जो कि है कातला माछर कालिया, कातला कालिया। तो ये देखिए मैं जो है ना फिश फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा फ्राई कर दूँगी। और ये वैसे मछली का माथा मैं भाज के रख दी हूँ और इसमें और भी फिश है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस जो है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मेरा जो है ना फिश जो मैंने फ्राई कर लिया है। और अब मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। ऑलरेडी फिश को फ्राई किया जो मैंने है ना, फिश फ्राई किया हुआ तेल है वो है, और थोड़ा तेल डाल देती हूँ। आ जाना नहाने बुलाऊंगी तो, फोन बंद करके जाओ। मैंने एक कच्चा मिर्चा लिया, सूखा मिर्चा नहीं, एक दालचीनी, थोड़ा सा जीरा और चार इलायची लिया है। बिकॉज मैं एक मिर्चा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसमें रखी हुई हूँ, ठीक है, मिर्चा पीस के रखी हुई हूँ। तो चलिए फोरन में डाल दी हूँ। इलायची, मिर्चा, जीरा और दालचीनी। उसके बाद ये देखिए मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ा प्याज जो है मैं चॉप किया हुआ डालूंगी और थोड़ा मैंने पेस्ट करके रखा है। अब मैं इसे भून लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए ये जो प्याज है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो है जो प्याज मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है ये डाल दूंगी। भून जाने के बाद अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट दे दूँगी। ये रहा अदरक और कच्चा मिर्चा। ये रहा लहसुन। अब मैं इसे भून दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तो गाइस यहाँ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट जो है अच्छे से भून चुका है। अब जो है मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा और धनिया गुड़ा 2 चम्मच। फिर मैं हल्दी गुड़ा डाल देती हूँ गाइस। ये हल्दी गुड़ा 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च जो है कलर के लिए,
हाँ मैं और नमक स्वाद अनुसार। तुम तो नीचे चली गई थी। मिला लेती हूँ मसाले को, अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। अब मैं डाल देती हूँ जो है टमाटर। टमाटर मैंने पेस्ट करके रखा हुआ था, वो डाल देती हूँ। डाल के अच्छे से भून लूँगी तेल ना निकलने तक, इसमें से भी तेल निकलेगा। टमाटर ऑडी पेस्ट की अपन है सारा डाल देती। अच्छे से भून के और मैं जो है फ्लेम मीडियम करके छोड़ देती हूँ, ढक के ढक देती हूँ इसमें से तेल ना निकलने तक। ये देखिए तेल निकल चुका है, इसे मिला लेती हूँ। अब डाल देती हूँ यहाँ दही, दही डाल दूंगी। सो गाइस, दही डालने के बाद अच्छे से जो है मसाला को मिला लूंगी, वरना दही जो है ना फट जाएगा। पहले दही देने से पहले दही को अच्छे से जो है ना फेंट लीजिएगा। सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ भूल गई थी जो है चीनी। ये एक चम्मच जो है ना चीनी डाल दीजिएगा। मैंने और थोड़ा सा ले लिया है चीनी, डालकर अच्छे से जो है उसको भून लूँगी। तो ये देखिए गाइस, दही देके जो है मैंने अच्छे से भून लिया है। दही देने के बाद ये अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। ये रहा पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी गाइस, हल्का पानी डालूंगी। ये झोल जो है इसका जो ग्रेवी है ये थोड़ा पकेगा गाइस। हाँ, अब पानी डालने के बाद इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी ढक कर। ये मैं ढक देती हूँ, जब तक ये पक रहा है मैं आगे का काम कर लेती हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये जो है ग्रेवी पक चुका है। अब मैं जो है इसमें फिश डाल दूंगी। फिश डाल के मैं इसे थोड़ा पका लेती हूँ गाइस। Thank you.
तो ये देखिए गाइस, मेरा जो है कतला माछ का कलिया जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला। नहीं खेलेगी बेटा। ये रहा गरम पूरा मसाला मैंने डाल दिया। क्यों नहीं खेलेगी? ये जो है मेरा कतला माछ का कलिया जो है गाइस एकदम रेडी हो चुका है, रेडी टू सर्व हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा रेसिपी कैसा लगा है कमेंट में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।